top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उनके स्पेसिफिक और वैसे भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, वो भी इस बार पहली बार इतने बड़े स्तर पे जो हो रहा है। कल्चर जो बड़े स्टार्स जो बाहर से आ रहे हैं, वो आपको मालूम है कि 25 तारीख को जो हमारा बादशाह रैपर जी, वो बॉलीवुड के बड़े कलाकार माने जाते हैं सिंगिंग में, आएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने मध्य प्रदेश टूरिज्म का ऐड देखा होगा तो हाथ से वो काफ़ी बहुत फेमस है और वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है, तो वो आ रहे हैं। वो 27 तारीख को वो GVU के ऑडिटोरियम में होगा। वो अपना हाथों से उसकी पूरी टीम है, वो सैडो से कई सारी एक पूरी स्टोरी सुनाते हैं सैडो से, और उसके साथ साथ वो एक उसको फिलर्स के रूप में हम लोग ने कॉमेडी नाइट रखी है उसमें, और सभी कार्यों की विधिवत हम लोग ने परमिशन ली, चाहे अथॉरिटी करा हो, सभी से जो भी परमिशन लेनी है, वेटनरी से, जिला प्रशासन से, एंटरटेनमेंट वालों से, जैसा जिसकी जैसी आवश्यकता थी वैसी परमिशन ली गई है। पुलिस को भी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए हम लोग ने मेरी पर्सनल बात कर दी है, जो साहब से भी एस एस पी साहब से भी उसको व्यवस्थित ढंग से हो सके। आप लोग का भी रोल इसमें होगा कि व्यवस्थित ढंग से किसी भी प्रोग्राम में हम लोग ने कोई टिकट नहीं रखा है देखने के लिए, और खान पान के लिए हम लोग ने जो भी एक उसमें बहुत ही नॉर्मल रेट पे व्यवस्था की है, साफ सुथरा अच्छा भोजन सब लोग को एक नॉर्मल रेट पे मिले, जो लोग अपना लोग जाते हैं किसी भी मेले या खेल में तो अपना हिसाब से पसंद करके खाते हैं, और उसी तरह जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी हम लोग कूपन मिलेंगे, जो लोग हम लोग होंगे कि वो लोग भी अपने मुताबिक कूपन लेके जहाँ लोग चाहें जो चीज़ स्कूल कॉलेजेस के बैंड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो परंपरागत ढंग से कार्यक्रम होते रहे थे उन लोगों को उन्होंने यथावत रखा है, जैसे रामी का कार्यक्रम था उत्तराखंड द्वारा, उत्तराखंड के कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया जाता था, वो था जो हमारा सिंगिंग एंड डांस कॉम्पिटिशन हुआ था, वो सब जो कार्यक्रम है वहाँ की साइक्लोथॉन भी इस बार रखा है, जो कंडीशन है आजकल ऐसे भी पॉल्यूशन और उसके मद्देनजर रखते हुए साइकिलिंग का काफ़ी बड़ा एक क्रेज हुआ है, और ग्रेटर नोएडा ने काफ़ी लंबा एक साइकिल ट्रैक भी बनाया है, और उसको जागरूक करने के लिए हम लोग साइक्लोथॉन इस बार आयोजन करेंगे। साइक्लोथॉन है 24 तारीख साइकिलिंग होगा वो 9 से 11 बजे तक, और फिर रन फॉर कम जो विभिन्न आपके सामाजिक जो मैसेजेस है उनको डिस्प्ले करते हुए रन फॉर कम का आयोजन भी आपको 25 तारीख को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के माध्यम से और आप लोग की सकारात्मक इन्वॉल्वमेंट से ये सामने मिला हम लोग का जो कार्यक्रम है वो एक अच्छे सुव्यवस्थित और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमात्मा के साथ संपन्न होगा, ये हम लोग को उम्मीद है। और ये 25 साल पूरे हो रहे हैं तो लोग बेटी नोएडा की सभी वर्गों की इसमें सहभागिता इस चीज़ तक लाने के रही, उन लोग के लिए भी एक ये अचीवमेंट का समय होगा कि आज 25 साल के बाद बेटी नोएडा इस बेटी को उसका सेलिब्रेशन जो एक सबका जायज हक बनता है। वाले या ये है इनमें भी साइकिल वाले को मतलब बाहर साइकिल साइकिल और चप्पल चप्पल वाले को सबसे टेकअप करेंगे, ये तो ये डिस्क्रिमिनेशन एकदम नहीं चलेगा, ये अगर माली तो नेचर वाली बात है, ऐसे भी उचित नहीं है कि
किसी भी प्रकार से उचित नहीं। तभी तो साइकिल को बढ़ावा दिया जाएगा सर, वहां तक पहुंचेगा शाम को चल रहा है। नॉर्मली भी अगर कोई साइकिल में अगर मैं भी आ रहा हूँ जी जी, जब कोई भी आदमी आ रहा है, आम आदमी भी आ रहा है, साइकिल जो पुराने जमाने वाली बात हो रही है, साइकिल चल रहा है वो बड़ी बात है। मार्ग के माध्यम से लगाए जाए तो बाहर के जो अच्छे जैसे आपका यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट फेयर होता है, स्टॉल्स लग सकते हैं, कि जो लोग उस चीज से वंचित हो जाते हैं, आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी क्वालिटी अच्छी लोगों को मिलेगी जी 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 जी। और कुछ खान पान के कितने स्टॉल है सर? अच्छा 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 सर।